नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। राजनीति में नहीं होते तो क्या करते असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति का फायर ब्रांड चेहरा, संसद से लेकर न्यूज चैनलों के डिबेट्स में मुसलमानों और उनसे जुड़े मसलों को लेकर अपनी बात को मजबूती से रखने वाले नेता। आज के तारीख में ओवैसी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस बार भी हैदराबाद से बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं। ओवैसी की अपनी पार्टी है AIMIM, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी की सियासी पहचान किसी से छिपी नहीं है। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद निजी बातों की चर्चा करने वाले हैं कि अगर ओवैसी सियासत में नहीं होते तो क्या कर रहे होते। इस सवाल का जवाब ओवैसी ने खुद ही एक इंटरव्यू में दिया। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन में पढ़ने के दौरान अपने कॉलेज के बहुत ही लोकप्रिय क्रिकेटर हुआ करते थे। यह भी कम ही लोग जानते हैं कि वो जाने माने क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद के साथ क्रिकेट खेला करते थे। दोनों अपने कॉलेज के एक ही लीग में क्रिकेट खेलते थे। ओवैसी ने यह स्वीकार किया कि अगर वो सियासत में नहीं होते तो शायद क्रिकेट खेल रहे होते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि वो आज सियासत में है। उनका कहना है कि सब अल्लाह का करम है, वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। अल्लाह ने उन्हें जो कुछ भी दिया है वो कम नहीं है। आज वो सांसद हैं और लगातार कई बार से जीतते आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ओवैसी का ये भी कहना है कि सियासत वो चीज़ है जिसके जरिए आप अपनी बात सरकार और देश के सामने रख सकते हैं। आप लोगों की खुशहाली और उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। सियासत गरीबों और मजलूमों के खिदमत का मौका देती है। क्रिकेट खेलकर सब कुछ हासिल हो सकता था लेकिन यह सब नहीं मिल पाता, लिहाजा मैं जहां भी हूं वही ठीक जगह है मेरे लिए। धन्यवाद।